नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या सीबीटी थेरेपी ओसीडी के लिए सही है। अब हम पहले समझते हैं कि सीबीटी होती क्या है। सीबीटी थेरेपी, सीबीटी थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जैसे इसका नाम है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब थॉट्स, थॉट्स एंड बिहेवियर जुड़े हुए हैं। जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो और वैसा आप बिहेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिप्रेसिंग थॉट, आपको सैड थॉट्स आते हैं तो आपको सैड फील भी होगा एंड आप फिर बिहेव भी डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन जैसा आप बिहेव करोगे कि आप घर पे पड़े रहोगे, बिस्तर में पड़े रहोगे। तो जो डिप्रेशन जैसे ही और थॉट्स पहले आ सकते हैं, पहले फीलिंग्स भी आ सकती है कि पहले आपको फील हो रहा है ऐसा, सैड फील हो रहा है, तो आपको थॉट्स भी सैड वाले आएंगे। तो थॉट्स, फीलिंग्स और जो बिहेवियर है उसका जो कनेक्शन है वो सीबीटी थेरेपी बताती है। और कैसे आप अपने थॉट्स को, अपनी बिलीव्स को, अपने थिंकिंग को अगर चेंज करोगे तो आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा। सीबीटी बोलता है कि जो मेन चीज है वो है हमारा बिलीफ। अगर हमारा किसी भी सिचुएशन में अगर हमारा बिलीफ गलत है तो हमें फिर गलत फीलिंग्स ही आएंगी और बिहेवियर भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलने गए और वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, आप ये भी हो सकता है कि उसका मूड खराब है, बट अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ जाए कि अरे यार मेरे तो किसी के साथ जमती नहीं है, मैं तो किसी का दोस्त बन ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा अकेला ही रहूंगा, तो आपको अगर ये थॉट्स आए तो आपको फीलिंग्स कैसे आएगी? सैडनेस की आएगी, राइट? तो जो सीबीटी कहता है कि अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर दोगे, कि अगर आपको लग रहा है कि अरे यार मैं तो इस सिचुएशन में ऐसे थॉट्स बोल रहा हूँ जो फैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो मेरे तो अपने दिमाग की जो खिचड़ी चल रही है उसी के हिसाब से मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, अपने लाइफ का व्यू बना रहा हूँ। तो सीबीटी कह रहा है कि आप जो अपने फैक्ट्स है, जो सही फैक्ट्स के साथ आप करो काम, ठीक है? अगर आपको कुछ भी, अगर आपका बिलीफ बन रहा है वो फैक्ट्स पे बनना चाहिए। तो सीबीटी कहता है कि आपको अपने थॉट्स देखने चाहिए कि अगर आपके थॉट्स सही है कि नहीं है, और अगर थॉट सही नहीं है तो उसको बिलीफ को फैक्ट के हिसाब से सही करना होगा। एक तो सीबीटी में आपको एक राइट नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि फैक्ट्स क्या है तो आप क्या सही करोगे, राइट? तो सीबीटी में आपको फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सीबीटी में एक एबीसी मॉडल होता है, एक्टिवेटिंग इवेंट। उसमें आप लिखते हो कि अच्छा क्या था, मैं अपने दोस्त से मिलने गया और उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, तो मेरा बिलीफ क्या है कि यार मेरे तो कोई दोस्त बनता ही नहीं, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? सी, मैं सैड हो गया। बट अगर मैं अभी चेंज करूं, अगर ये एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ कि हाँ वो दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, तो मैं ये सोचने के बजाय कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, अगर मैं ये सोचूं कि ठीक है मे बी उसका मूड खराब होगा, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कि मेरा मूड सही रहेगा, मेरा मूड खराब नहीं होगा, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि उसका मूड खराब है, मेरी कोई गलती नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तो ऐसा हम कई बार करते हैं। अब देखो, जो डिप्रेशन है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें सीधी सीधी चीजें हैं, जिसमें हमारे इरेशनल बिलीव्स की वजह से हमें फीलिंग्स आती है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो उसके लिए सीबीटी का जो डिस्प्यूटिंग, ये जो पार्ट है वो डिस्प्यूटिंग पार्ट है सीबीटी का, जो मैं कह रहा हूँ। सीबीटी का पार्ट एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी है, जो ओसीडी के लिए बहुत सही होता है, बट सीबीटी में जो डिस्प्यूटिंग होती है वो ओसीडी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को सेक्शुअल ओसीडी है, होमोसेक्शुअल ओसीडी है, और उसका एबीसी करते हैं। चलो, एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, उसको एक थॉट आया कि उसको उसने कोई लड़का देखा और उसको थॉट आया अरे ये लड़के की तरफ मैं अट्रैक्टेड हूँ तो मैं गे हूँ, ठीक है? अब बिलीफ उसका ये है कि लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो मैं गे हूँ, कॉन्सिक्वेंस हो रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है, फिर वो कंपल्शन कर रहा है, ठीक है? अब क्या है कि ये जो बिलीफ है कि मैंने उस लड़के को देखा तो मैं गे हूँ, उसको तुम बताओ कैसे डिस्प्यूट करोगे कि नहीं लड़के को तो कई लोग देखते हैं, नहीं बट उसके बाद तुम्हारे कोई ऐसा फैक्ट नहीं है ना कि लड़कों को जो नहीं, जो देखता है वो गे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या जो लड़कों को देख रहा है वो गे नहीं है। सर को बेसिकली ओसीडी के जो थॉट्स आते हैं ना, वो बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बहुत इरेशनल होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे डोंट थ्रो पर्ल्स बिफोर स्वाइन, की सुअर के सामने आप मोती मत फेंको, सुअर को समझ ही नहीं आएगा। कई लोग होते हैं ना कि मैं अगर जैसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में, अब मुझे भी क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर कोई बोलने लग जाए, बड़ी बड़ी ज्ञान देने लग जाए, मे भी मुझको ठीक से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए पर्ल्स, कुछ होता है ना कि बुद्धू के सामने आप कुछ ज्यादा ही
नॉलेज दिखा रहे हो तो बुद्धू को समझ ही नहीं आता है। तो जो हमारा ओसीडी ब्रेन है उसको लॉजिक समझ नहीं आता, वो इतना एंग्शियस हुआ होता है, इतना इमोशनल हुआ होता है, एंग्जाइटी ने उसको इतना घेर के रखा होता है कि उसको लॉजिक समझ ही नहीं आता। तो ओसीडी में मैं ये नहीं कह रहा कि सीबीटी बिल्कुल कारगर नहीं होगा, पर फर्स्ट स्टेप जो है वो सीबीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से लॉजिक आपको समझेगा ही नहीं और वो आप उसी में ही उलझते रह जाओगे। आप रैशनलाइजिंग कंपल्शन बन जाएगा कि अरे मैं उस लड़के को देख रहा हूं, मैं गे हूं, पर नहीं, मैं तो लड़की के साथ सेक्स किया है। पर फिर अगला थॉट आ जाएगा कि अरे नहीं, लड़की के साथ सेक्स किया तो क्या हुआ, लड़की के साथ तो गे भी सेक्स कर लेते हैं। उसके बाद और वो बनता चले जाएगा, बनता चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेकिंग वाला है, चेकिंग ओसीडी में अगर आप सोच रहे हो बैठ के कि यार मैंने स्टोव है ना ऑफ किया है कि नहीं, तो आपको थॉट आया नहीं ऑन किया, ऑफ नहीं किया है, शायद से ऑन ही रखा है, पर आप फिर चेंज करोगे अपने, नहीं, मैंने ऑफ किया, इसको क्या चेंज करोगे आप, आपको तो पता ही नहीं है ना आपका, आपको अंदर से वो आ ही नहीं रहा है, वो जो आपकी एंग्जाइटी है वो अंदर से एक क्लोजर होता है ना, ये अंदर से एक मतलब सेटिस्फेक्शन सी होती है कि हाँ मैंने बंद कर दिया, वो आ ही नहीं रहा है, वो लॉजिक से नहीं आएगा। लॉजिक और जो इमोशन है वो दूर दूर है। तो लॉजिक आप क्या होता है, जो सीबीटी में जो डिप्रेशन वगैरह में जब आप देते हो ना, बिलीव्स वगैरह देते हो वो डिप्रेशन वगैरह में, उसमें वो चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा आपको रैशनल एक क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे यार मैं तो लूजर हूँ, तो आप सोच लोगे कि नहीं मैं तो ये जीता हूँ, मैं तो वो जीता हूँ, तो आपके पास कई फैक्ट्स है, ठीक है। एंड जो डिप्रेशन और नॉर्मल एंग्जाइटी में वो चल जाता है, ठीक है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी आपको अवेयरनेस बेस्ड जैसे वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी वगैरह करना चाहिए, उससे भी फायदा होगा। पर डिप्रेशन वगैरह में जो सिंपल सिंपल आप होते हो कि जैसे कि मेरी जिंदगी तो झंड है, ठीक है, तो तुमने अगर वो ले लिया कि नहीं जिंदगी झंड नहीं है, मैं तो इसमें फर्स्ट आया था, मेरी अच्छी फैमिली है, ये है वो है, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। बट ओसीडी में क्या होता है कि एंग्जाइटी तो एक तो इतनी ज्यादा होती है, एंड ऑल्सो जो डिस्प्यूटिंग आप करते हो ना वो रैशनलाइजिंग कंपल्शन में बनना, डिप्रेशन में वो रैशनलाइजिंग कंपल्शन नहीं बनता, डिप्रेशन में वो कंपल्शन नहीं होता, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी वो कंपल्शन नहीं होता, पर ओसीडी में जो ये कंपल्शन वाला पार्ट हो जाता है ना, तो जब आप डिस्प्यूटिंग करने लगते हो तो वो आपका कंपल्शन ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीबीटी करना ही नहीं है, आप एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो सीबीटी का ही पार्ट है मैंने बोला है वो आप शुरू करो। उससे क्या होगा कि आप अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना झेलना सीखोगे। एक बार ही आपने एंग्जाइटी को झेलना सीख लिया, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से अपनी आप अवेयर हुए, ठीक है, अपने विचारों और इमोशन से आपने डिस्टेंस बनाया, आपने एंग्जाइटी को झेलना सीखा, उसके बाद फिर आप अपने बिलीफ चेंज करो। बिलीफ तो चेंज करने होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोरल ओसीडी का मैंने जैसे वीडियो बनाया, उसमें आपको अपना चेंज करना होगा बिहेवियर की, बिलीफ चेंज करना होगा कि हाँ सब कुछ सही और गलत, व्हाइट और ब्लैक नहीं होता है, ग्रे होता है। या फॉर एग्जाम्पल चेकिंग ओसीडी में आप बोलोगे कि अगर मैंने गीजर ऑन करके छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, नहीं फटता, आजकल के नए गीजर है वो नहीं फटते हैं, मुझे होता मतलब था काफी गीजर का। उसके बाद फिर आप ये होता है कि आपको सेक्सुअल ओसीडी में गे वाला, आप बोलोगे कि हाँ मे बी मेरे को थोड़ी मे बी हो सकता है कि मैं अगर क्या बोलते हैं, मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, हो सकता है, पर ठीक है मेरी चॉइस है कि मैं लड़कियों के साथ रहूं, या जो भी है, आप अपने आपको अपने बिलीव्स चेंज करने होंगे, अपने साथ आपको कंफर्टेबल होना होगा, ठीक है, कोई आपको मार के वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअल ओसीडी में अगर आपको लड़कों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई आपको मार के नहीं कर सकता कि चल तू गे एक्टिविटी कर, वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें करना है कि नहीं, तुम्हें भूख लग रही है पर तुम्हें खाना है कि नहीं खाना है वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो ये समझ लो कि तुम्हें अपना बिलीफ, ये जो बिलीफ है ना कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने सीबीटी करके ही अपने अंदर बिलीफ चेंज किए कि यार जो जैसे फॉर एग्जांपल भूख वाला कि मैं ये क्या या मैं विचार नहीं हूं अपना, कि चाहे मुझे कोई विचार आएगा तो वो दैट आई एम नॉट माई थॉट, ठीक है, वो भी एक बिलीफ मैंने चेंज किया है ना, तो बिलीफ चेंज करना तो जरूरी है। या मुझे भूख लग रही है पर मैं खाऊं कि ना खाऊं वो मेरी मर्जी है, या मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया मैंने 20-22 किलो वेट लूज किया है, तो उसमें भी मैंने सीबीटी को यूज किया है, मैंने अपने बिलीफ चेंज किए हैं कि जैसे पहले होता था मेरा बिलीफ था कि
यार मैं सैड फील कर रहा हूँ तो कुछ मीठा खा लेता हूँ, कुछ केक खा लेता हूँ, पर मैंने चेंज किया अपने आप को। तो आपको भी अपने आप को ऐसे चेंज करना होगा, तब आपको आपको बिलीफ तो चेंज करने होंगे, बट पहले आपको अपनी एंजाइटी को झेलना सीखना होगा और अपने थॉट्स के साथ डिस्टेंस बनाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सीबीटी से जो अगर आप शुरू में ही ईआरपी और एक्ट ना समझ के आप शुरू में ही अगर आप ये करते हैं डिस्प्यूटिंग करते हैं तो आपका ओसीडी और खराब हो सकता है। तो पहले ईआरपी और एक्ट थेरेपी से शुरू करो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कई सारे आप वीडियोस भी देख लो, और भी कई सारे वीडियोस बने हैं और कई सारे आर्टिकल्स भी हैं इसमें रेप्यूटेड जो जर्नल्स में और रेप्यूटेड वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे डिस्प्यूटिंग क्या होता है। जो सीबीटी का डिस्प्यूटिंग से आपका जो कंपल्शन डिस्प्यूटिंग कंपल्शन में बदल सकता है। तो अगर आपको ओसीडी है और आप शुरू कर रहे हो अपना थेरेपी, तो एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी से शुरू करो, फिर सीबीटी करो। पहले ही आप डिस्प्यूटिंग से शुरू करोगे तो आप अपने ही थॉट्स से उलझ जाओगे, वही घूमता रहेगा, आपका रैशनलाइजिंग कंपल्शन हो जाएगा। जो ओसीडी में जो कंपल्शन जो है ना चीज, कंपल्शन की वजह से सीबीटी का डिस्प्यूटिंग जो है वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो पढ़ा है वो है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो अपने थॉट से उलझो मत, ठीक है, अपने थॉट से डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस बनाओ, मैं ऐसे खुद ही ऐसा हो जाता हूँ, बट हाँ आप इधर बैठे बैठे भी आप डिस्टेंस बना सकते हो। मैंने ड्रामेटिक्स क्लास, मतलब मैंने ड्रामा क्लासेस ज्वाइन की हुई है, तो मेरे अंदर थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा एक्टर है, तो वो निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, की फाइटिंग।